केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र ग्वालियर में कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जन सैलाब देखकर कैलाश विजयवर्गीय ने आखिरकार कह ही दिया कि ऐसा स्वागत उनका राजनीतिक जीवन में कभी नहीं हुआ। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर में कैलाश और नरोत्तम की जोड़ी की एंट्री। सिंधिया समर्थकों ने कैलाश और नरोत्तम का किया ऐतिहासिक स्वागत। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्वालियर की गलियों में उमड़ा जन सैलाब। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने में जुटी भाजपा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए बीजेपी ने सिंधिया तोमर के अलावा अन्य दिग्गज नेताओं को भी ग्वालियर के सियासी मैदान में उतार दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जोड़ी ने ग्वालियर में एंट्री की तो ग्वालियर की गलियों में फूलों की बारिश होने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने और व्यवस्था संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक स्वागत देखकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने इतनी माला अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं पहनी जितनी ग्वालियर में पहनी। और मुझे कहते हुए गर्व है, कल जो ग्वालियर में जिस तरीके का जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं सोच रहा था कि नरेंद्र सिंह जी से मैंने बहुत आग्रह किया कि आप आइए, सिंधिया जी से किया, बाकी सबकी अलग अलग यात्राओं में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा स्वागत होगा वहाँ, दो बड़े नेता हमारे हैं नहीं, पर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था की, मेरा मन गदगद हो गया कि ऐसा स्वागत ग्वालियर में होगा। मैंने कहा सपने में भी नहीं सोचा था, जो बड़ी बड़ी मालाएँ जितनी मैंने ग्वालियर में पहनी है, मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 40 साल का, इतनी माला मैंने कभी नहीं पहनी। बहुत लोगों ने बहुत प्यार किया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका स्नेह है, और इसलिए मैं ग्वालियर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए दिग्विजय सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रखा। ये हमने जानबूझकर करवाया जिससे पता लगे कि दिग्विजय सिंह जी के राजभवन कैसे रहे, कैसे रहे, वापस चालू करवा दे। दिग्विजय सिंह जी के राज में पावर की हालत यही थी, और हमारे राज में पावर की हालत काफी ठीक थी। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का बजट मात्र ₹580 करोड़ था स्वास्थ्य विभाग का बजट, आज की तारीख में 16,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग का बजट। यदि मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज 5 थे जिसमें लगभग 600 बच्चों को एडमिशन मिलता था, मतलब पूरे प्रदेश में एक साल में 600 बच्चे एडमिशन प्राप्त करके डॉक्टर बनते थे। कुल मिलाकर ग्वालियर में भाजपा नेता जमकर चुनावी पसीना बहा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता के दिलों पर किसका असर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।